रचना का शीर्षक है विदेशियों आओ हमें आत्मनिर्भर बनाओ। प्रधान सेवक ने लोकल से वोकल बने कहकर होमवर्क दिया और उनके निठल्ले भक्त काम पर लग गए। एक छद्म राष्ट्रवादी ने अपने चाइनीज मोबाइल से मेरे कोरियाई मोबाइल पर इंग्लैंड की भाषा में अमेरिकी व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भेजा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सोचा मैसेज चाइना में बनी सरदार पटेल वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को फॉरवर्ड कर दूं, लेकिन यह जानकर नहीं किया कि मूर्तियां मैसेज नहीं पढ़ती। विपक्ष में थे तो हांकते थे कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, सरकार में आए तो बोलने लगे कि विश्वगुरु बनाना है, और अब कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है। मारे कंफ्यूजन के मेरी हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई है जिसने साल भर साइंस पढ़ी और परीक्षा में पेपर एंटायर पॉलिटिकल साइंस का आ गया। जिन्होंने 51% एफडीआई के खिलाफ जमीन आसमान एक किया था, सत्ता मिलते ही 100% तक एफडीआई लाद दी। आवाजें उठने लगी हैं कि चरखे वाले ने देश जिन जबड़ों से छुड़ाया था, चाय वाले ने फिर उन्हीं के हवाले कर डाला। स्वदेशी जागरण मंच वाले एक सज्जन ने शिकायत की, जिसे हमने स्वदेशी के मुद्दे पर सिंहासन तक पहुंचाया, वह विदेशी कंपनियों के लिए सब कुछ निजी करने में बिजी है। घर घर में घुस गए मल्टीनेशनल और सवाल उठाओ तो एंटीनेशनल। हम तो सबसे ज्यादा ठगे गए। मैंने कहा इसमें अनहोनी क्या है, कहावत ही है कि लंगड़ी डाकिन घर वालों को पहले खाती है। लाखों बेहाल मजदूर सड़कों पर पैरों से पैदल हैं और सरकार दिमाग से। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट के वाणी विलास में दुखियारों की चर्चा तक नहीं की। यहां यह भी बताता चलूं कि लफ्फा जी को शुद्ध हिंदी में वाणी विलास कहते हैं। वित्त मंत्री का राहत पैकेज तो उस अतिरिक्त समझदार गृहिणी जैसा लगा जो दूध उफनने पर गैस बंद नहीं करती, घर का दरवाजा बंद करती है। याद रखना, ये छालों भरे लाखों पैर जिंदगी भर पीछा करेंगे जब तुम कुर्सी से उतर जाओगे। इतिहास गवाह है, रथों पर सवार होकर जो धरती को रौंदते हैं, समय पलटने पर उन्हीं रथों के पहिए उन्हें रौंदते हैं। खुशखबरी है कि भारत आत्मनिर्भर होने के नुस्खे बिल गेट्स से पूछ रहा है। शरद जोशी जी तो पहले ही कह गए हैं कि हमारे वित्त मंत्रालय को चाहिए कि कोलंबस की मूर्ति अपने ऑफिस के सामने लगाए। यदि वह अमेरिका नहीं खोजता तो हम उधार कहां से लाते।